الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اس کی تخلیق یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان اور اس کی یہ نعمت ہے پھر اس کی روزی دنیا کی زندگی کی ضرورتیں پیدا فرمائی اس لحاظ سے وہ انسان کا رب ہے یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے تیسری نعمت یہ اسے حاصل ہوتی ہے جو اپنے خالق اپنے رب اور مالک کو جانتا ہے سمجھتا ہے مانتا ہے اور اس نے جو زندگی کے لیے ضابطہ دیا ہے ایک دستور اس کے ساتھ دنیا میں نازل فرمایا ہے اس کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کے معاملات ذاتی ہوں یا اجتماعی ہوں ان کو مرتب کرتا ہے اپنے معاملات اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق یہ چلاتا ہے ان میں فیصلے کرتا ہے اللہ وہ جو خالق ہے مالک ہے انسان کی فطرت کو اس کے مزاج کو اس کی ضرورتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اس لیے اس کی جو ضرورت تھی جو اس کے مزاج کے جسم کے تقاضے تھے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے ایک ضابطہ عطا فرمایا انبیاء اور رسل کے ذریعے تمام لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ہدایت نازل فرمائی جس کو دین اور شریعت کا نام دیا گیا اہل کتاب جن کو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں سورہ نساء کی آیت ہے یہ بیان فرمایا کہ تم
वो ज़ाबता जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उसके मुताबिक चलो, उसमें कमी बेशी ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि अगर चाहो तो उसमें कुछ इजाफा कर दो, चाहो तो उसमें कमी कर दो। ये हक अल्लाह ने अपने पास रखा है, हत्ता के अपने चुनीदा लोग, बरगुजीदा शख्सियात जिन्हें अंबिया रसूल कहा गया है, शरीयत के अंदर तब्दीली का इख्तियार उन्हें भी नहीं दिया। जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आया उनका काम वो दूसरों को सुनाना है, उन तक पहुंचाना है, उसमें इजाफा या कमी उनके इख्तियार में नहीं। इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया को तब्दीली का इख्तियार नहीं दिया तो आम आदमी कैसे ये इख्तियार रखता है कि शरीयत के अंदर, अल्लाह के दिए हुए दीन के अंदर अपने पास से कुछ इजाफा कर दे, कमी कर दे या उसमें कोई तब्दीली कर दे, ये इख्तियार किसी को नहीं। अहले किताब अपने पास से तब्दीलियां करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि या अहले किताब ला तगलू फी दीनकुम, अपने दीन में गुलू ना करो, वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक, अल्लाह के बारे में वही बात कहो जो सच्ची है, हक है। अपने पास से कुछ कहने की तुम्हें इजाजत नहीं, तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा क्या था, अहले किताब जिनमें दो गिरोह शामिल हैं, एक को हम यहूद कहते हैं और दूसरे नसरानी या ईसाई कहलाते हैं। ये दो गिरोह थे जिनको अहले किताब कहा गया। इनमें से एक गिरोह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने उनकी तरफ रसूल बना के भेजे उनमें गुलूम किया कि अल्लाह ने उन्हें अपने कलमे कुन से पैदा फरमाया, अपनी तरफ से जो अल्लाह ने रूहें पैदा की थी उन रूहों में से एक रूह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर डाल दी, बगैर बाप को उनको पैदा किया। अगरचे जरिया उनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी, तो अल्लाह ने ये रूह अपनी तरफ से उनकी तरफ भेज दी और उनको पैदा फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, रसूल बनाया है, अल्लाह के वो बंदे हैं। लेकिन उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, अल्लाह का हिस्सा समझा कि ये तो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के हिस्से हैं। अकीदा तसलीस गढ़ लिया कि तीन मिलके एक रब बनता है, खुदा बनता है। किसी ने अल्लाह के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और जबरीरुल कुदस को लगा दिया, किसी ने उनकी वालदा हजरत मरियम को शामिल कर दिया। अकीदा तसलीस ये उन्होंने खुद गढ़ लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने अपना बंदा बनाया और अपना रसूल बना के भेजा, उन्होंने उनको रब का दर्जा दे दिया, खुदा का दर्जा दे दिया, इलाह बना लिया। अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारा दीन में गुलूब है कि तुमने उनका जो मकाम मर्तबा था उससे तुमने उठा के अल्लाह के बराबर कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। फरमाया कि वला तकूलू सलासा इंतहु खैरल लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहु वाहिद, तीन खुदाओं का अकीदा छोड़ दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर। और ये बात समझ लो कि अल्लाह ये अकेला इलाह है, उसके साथ कोई और इलाह नहीं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में वजाहत फरमाई, फरमाया कि ला तो तुरूनी कमा अतरत नसारा ईसा बिन मरियम इन्नमा अना अब्दुहु फकूलू अब्दुहु व रसूलुहु। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान यानी अल्लाह का रसूल हूँ, तुम मुझे इस तरह ना बढ़ाओ जिस तरह के
ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मकाम से बढ़ाकर उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया। और ये बात यकीनी है, यकीन से कह रहा हूं कि मैं अल्लाह का बंदा ही हूं, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा उसका रसूल कहो। इससे मुझे आगे यहूद ने इसके बरक्स किया, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मकाम था, अल्लाह ने उन्हें अपना बंदा बनाया, अपना रसूल बनाया। रिसालत ये सबसे बड़ा मकाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद रसूल का मकाम होता है। अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया, उन्होंने उनके इस मर्तबे से गिरा कर उन्हें एक आम आदमी बना दिया, कहा कि आप अल्लाह के नबी नहीं हैं, बल्कि जैसे एक आम आदमी होता है वही हैसियत आपकी है, बल्कि इससे बढ़कर ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आपका क्योंकि बाप नहीं, इसलिए आप नऊज़ बिल्ला वलदुल हराम हैं। ये बहुत बड़ी जसारत, बहुत बड़ा इल्ज़ाम और तुमत। अल्लाह ने फरमाया कि तुम दोनों लोग किस्म के गिरोह जमाते, दोनों ही भटक गए, तुमने गलोब किया, इफरात तफरीद किया, किसी ने उनको उनके मकाम से उठाकर उन्हें रब बना दिया, और किसी ने उनको उनके रसालत से रसालत के मकाम से इतना नीचे गिरा दिया कि आम आदमी से भी उनका दर्जा जो है वो उन्होंने कम कर दिया। फरमाया कि ये तरीक़ेकार गुलूब का, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ये बगावत है, ये गुमराही है। ऐसा शख्स जो है वो गुमराह हो जाता है, सीधे रस्ते से भटक जाता है, अल्लाह की हदायत के अंदर तब्दीली करने वाला है। जिस तब्दीली का इख्तियार किसी इंसान का, इसे मालूम होता है कि कोई भी शख्स, ये हुक्म सिर्फ अहले किताब के लिए नहीं, अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमा के इन दो ग्रोहों का जो रवैया था वो बयान फरमा के मुसलमानों को पैगाम दिया है कि तुम भी इसके पाबंद हो, इफरात और तफरीद का शिकार होने की बजाय इतदाल का रास्ता इख्तियार कर, सीधा रास्ता अल्लाह के दीन का रास्ता इख्तियार करना है जिसमें कोई इफरात और तफरीद नहीं है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु अलन्नास, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु अलन्नास शुहदा, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन दरमियानी उम्मत बनाया है जिसमें इफरात और तफरीत नहीं है, तुम लोगों पर गवाही देने वाले, तुम अफसल होने की वजह से, इफरात और तफरीत से पाक होने की वजह से दूसरे लोगों पर गवाही दोगे और रसूल जो है वो तुम पर गवाह हो। इसलिए ये उम्मत का ये तुर्रा इम्तियाज है, ये उनका जो है वो इख्तिसास है कि इस उम्मत के अंदर इफरात और तफरीत नहीं। जो इफरात और तफरीत का शिकार होगा वो भी इन लोगों में शामिल नहीं है जिनको अल्लाह ने बेहतरीन और अफजल उम्मत करार दिया है, उसका तरीक़ेकार भी वही होगा जो अहले किताब ने किया। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग इसलिए भटक जाते हैं, इसलिए गुमराही के रास्ते पर चल पड़ते हैं कि वो भी इफरात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं। किसी आदमी की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी मदा करते हैं, उसको रसूल का मकाम दे दिया, किसी साहबी का मर्तबा दे दिया, हत्ता के बाद तो ऐसे बदबख्त हैं कि वो उसे अपने खालिक का मर्तबा दे देते। कितनी ये गुमराही है, कितनी नाइंसाफी और जुल्म है, कितना ये बहुत बड़ा गुलूब है, राह गज़ाल को छोड़ना है। एक शख्स आम होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया जो अल्लाह के बरगुज़िदा रसूल हैं, पांच जो उलुल अज़्म रसूल हैं उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको कोई शख्स उनके मकाम से बढ़ाता है तो ये आदमी गुमराह हो रहा है। तो आम शख्स जैसे कोई आम शख्स को कोई आदमी इतना मकाम दे दे, इतनी उसको अहमियत दे दे कि उसको अपने लिए रब बना के बैठ जाए या रसूल और सहाबी का मर्तबा दे दे, तो ये शख्स क्या गुमराह नहीं होगा। दूसरी तरफ वो शख्स दूसरे को जो उसका मुखालिफ है,
जो उसका हरीफ है उसको इसके मकाम से इतना गराए कि उसको इंसान भी ना रहने दे, इंसानियत के दर्जे से भी गरा दे। ये दूसरी तरफ ये तफरीत है, इफरात और तफरीत और गुलू है जिससे हमें हमारा दीन रोकता है। ये इंसान की बड़ी बदबख्ती है कि वो शख्स किसी की मोहब्बत में हद से बढ़ जाए, किसी की दुश्मनी में हद से बढ़ जाए, इतदाल का रास्ता छोड़ दे। ऐसा शख्स सीधे रास्ते से भटक जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इसकी तर्दीद कर दी कि उम्मते वस से निकल गया। इसका तरीका तो अहले किताब का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको जिस मकाम पे रखा है उसके मकाम को तस्लीम करना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। ना तो किसी की मोहब्बत में इंसान हद से बढ़ जाए और ना ही किसी की तनकीस में उसकी तजलील और उसकी रसवाई में हद से बढ़ जाए कि उसको इंसान भी ना रहने। ये रवैया इस्लाम का है। इसलिए एक हदीस में अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने बयान फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि हुब्बु का शई युमी व युसिम, तेरा किसी चीज से मोहब्बत रखना तुझे अंधा कर देता है और तुझे बहरा कर देता है। जब तू किसी चीज से एक हद से ज्यादा मोहब्बत रखेगा तो वो चीज या उस चीज की मोहब्बत तुझे अंधा कर देगी, तेरी आंखें देखने के काबिल नहीं रहेंगी, तेरे कान सुनने के काबिल नहीं रहेंगे, तेरे कान बहरे हो गए, किसी के बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, किसी की अकीदत मोहब्बत में अंधा हो जाए, किसी की दुश्मनी में इंसान अंधा हो जाए। फरमाया कि ये इंसान की जो है वो खास की इत्तिबा है, क्योंकि उसकी खास की इत्तिबा है तो अपनी मर्जी से। दुनिया के अंदर अल्लाह ने चीजें पैदा की है जिनसे इंसान मोहब्बत करता है, उनकी खास भी रखता है। खाने की खास है, पीने की खास है, उसे शादी की खास है और जरूरतें उसकी है। क्योंकि जब किसी को किसी की खास ना हो तो फिर वो चीज हासिल करने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह ने जो खास उसमें रखी है जैसे तरीके से उनको पूरा करना, ये इत्तबाए खास नहीं है, ये उसका हक है। लेकिन जब आदमी उस इन ख्वाहिशात को नजायज दराए से हासिल करता है या एक हद से तजावज कर जाता है तो फिर इसे इत्तबाए खास कहा गया है। इंसान ने अपनी ख्वाहिश को ही अपना इलाह बना लिया है, जिस तरह उसकी ख्वाहिश लेके जाती है उसी तरह ही चला जाता है। और हकीकी ख्वाहिश जिसकी शरीयत मजम्मत करती है वो ख्वाहिश है जो कुरान से हदीस से दीन से टकराव पैदा करता है। क्योंकि ख्वाहिश का जो मतलब है हवा, जिसको कहते हैं अरबी लफ्ज हवा कहते हैं, इसकी जमा अहवा आती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फरमाया कि सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाहुम, हमने आपको दीन दिया है, शरीयत दी है, शरीयत के अहकाम दिए हैं, एक ज़ाबता दिया है आपके लिए जिंदगी गुजारने का, आप इसकी पैरवी करें, लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, उनकी ख्वाहिशात की इत्तबा ना करें। इसलिए क्योंकि वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जैसा कि यहूद ने किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फैसला लेके आ गए, कहने लगे कि हम एक बड़ी जमात हैं, हमारे अंदर हमारे उलमा भी हैं, मशायख भी हैं, हमारे राहिब हैं, इसलिए अगर आप इस मामले में फैसला हमारे हक में कर देंगे तो हम सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन फैसला हमारे हक में, हमारे हक में फैसला हो गया तो फिर हम आपका दीन मान लेंगे, अगर हमारे हक में फैसला ना किया तो फिर हम आपकी बात मानने के लिए तैयार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में आयत नाजिल करके आपको इसके बारे में हदायत दे दी, फरमाया कि अनहकुम बैनहुमा अनज़लल्लाह वला तत्तबि अहवा। अल्लाह ने फरमाया कि आप फैसला अल्लाह की हदायत के मुताबिक करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनके दरमियान फैसला करें, इनकी ख्वाहिशात को ना देखें। ये जो शर्त लगा रहे हैं कि फैसला अगर हमारे हक में हो गया तो फिर हम आपका दीन मान लेंगे, आपको रसूल मान लेंगे, ये तो रिश्वती इस्लाम है, रिश्वत रिश्वती इस्लाम, ऐसा इस्लाम हमें कबूल नहीं है। इस्लाम कबूल करना है तो फिर ऐसी शर्तें लगाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मना कर दिया।
इसमें लफ्ज हवा आया, अहवा हवा, हवा का मना होता है खाली, खाली चीज, जिस तरह की आसमान जमीन के दरमियान हम कहते हैं खला, खला। इसलिए जो बात इंसान की ख्वाहिश होती है वो बगैर दलील की होती है, क्योंकि अगर किसी बात के पीछे कुरान हदीस की दलील नहीं है, इस्लाम की दलील नहीं है, कोई अकली दलील नहीं है, तो ये दलील से खाली बात है जिसकी इतवा नहीं की जाती। और इस तरह जो हवा लफ्ज है, दूसरा माना होता है इसका कि किसी आदमी का किसी जगह गिर जाना, जो शख्स अपनी ख्वाहिश की इतबा करता है, क्योंकि बात उसकी बगैर दलील के होती है, किताब व सुन्नत की उसके पीछे कोई दलील नहीं होती, ना कोई माकूल अकली दलील होती है, तो फिर ये शख्स अपनी ख्वाहिश की इतबा करके अपने आप को जहन्नम की आग में गिरा देता है। ये ख्वाहिश उसको जहन्नम की आग में गिराती है, नीचे गिरा देती है। इस तरह के इंसान इंसानियत से भी गिर जाता है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को इज्जत भी दी है, दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन जब ये आदमी भटकता है तो फिर ये असफल साफिलीन में चला जाता है। तो इस तरह ख्वाहिश की तबाह में इंसान गिर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ख्वाहिश की तबाह इंसान को जहन्नम की तरह ले जाती है, इसलिए इसके बच के रहना है। तुमने असल इतबा करनी है अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की और हदीस की इतबा करनी है। जो चीज खिलाफ होगी वो ख्वाहिश की इतबा है। ऐसे ही इंसान जो है वो गुलूब का शिकार होता है, वो ख्वाहिश की इतबा भी है, बेसब्री का मुजाहरा करता है, दूसरे को बड़ी तलकीन करता है कि आप सब्र करें, आपको सब्र नहीं आता, सब्र करें, लेकिन खुद सबसे ज्यादा बेसब्र हो, बेसब्री का मुजाहरा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब्र का हुक्म दिया है, फरमाया कि वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहजन अलैहिम वला तकुन फी ज़िक्रिन मिम्मा यमकुरून वल्लाहु मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लाहु वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं कि आप सब्र करें, सब्र की तौफीक अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ताला से आप सब्र मांगें, सब्र की दुआ करें, अल्लाह आपको सब्र देगा। फरमाया कि सब्र किस पर करना है, वला तहज़न अलैहिम, आपके जो मुखातब लोग हैं उनके रवैये पर आपने सब्र करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तबलीग करते थे, दीन समझाते थे, नेकी का हुक्म देते थे, आप उनको बुराई से रोकते थे, दीन का पैगाम देते तो उनका रवैया आगे से बड़ा गलत होता था, आपकी बात नहीं मानते थे, बल्कि सिर्फ ये नहीं कि बात का इनकार करते, आपको बहुत सी अजीतें देते, परेशान करते, आपके रस्ते में रुकावटें खड़ी करते, आपके साथी जो आप पर इस्लाम लाने वाले थे उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बेचारे बड़े परेशान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको अल्लाह का पैगाम सुनाते आगे से वो इनकार करते तो आप बड़े परेशान हो जाते। अल्लाह ने कुरान में इस जगह पर फरमाया वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फी ज़िक्रिन मिम्मा यमकुरून, आप इन पर परेशान ना हो, अगर बात नहीं मानते, दीन की बात का इनकार करते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप को तंगी में मुतला नहीं करना। ये लोग इनकार भी करते हैं, आपके खिलाफ मकरो फरेब भी करते हैं, साजिशें भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप सब्र करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों के साथ होता है। वल्लाहु मअल्लज़ीना तक़ौ, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, वो लोग जो नेकी करने वाले हैं, नेकोकार हैं, अल्लाह उनका उनके साथ होता है, उनकी मदद करता है, आपकी मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। सूरह काहफ में अल्लाह ने फरमाया फल अल्लाह का बाख नफ्स का अला आसारिहिम इन लम यूमिनु बिहाज़ल हदीस असफ, क्या आप इनको तबलीग करते हैं, समझाते हैं,
ये लोग ईमान नहीं लाते तो आप बड़े परेशान होते हैं। इतने परेशान कैसे मालूम होता है कि आप कहीं अपनी जिंदगी ना खो बैठे इस परेशानी के आलम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि आप अपना मिशन जारी रखें, अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करते जाएं, इनको दीन सुनाते जाएं, समझाते जाएं, वाज़ और नसीहत करते जाएं। अगर ये बात नहीं मानते तो फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। फिर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ खुद ही जवाब दे। जब एक दीन के मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपने लोगों को समझाना है, बताना है, मनवाना नहीं है। अगर कोई शख्स जो है वो किसी को मनवाना शुरू कर दे, जबरदस्ती अपनी बात ठोंसना शुरू कर दे, खा बात सही भी हो, उसका नतीजा यही है कि आपस में लड़ाई झगड़ा है। लड़ाई झगड़े की सूरत में अफरा तफरी है, बदनजमी है। इसलिए इससे बचने के लिए जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि आप लोगों को समझा दें, बता दें, इसके अलावा आपको उनके साथ उलझने की, जबरदस्ती करने की और इसमें बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी पूरी कर ली है। इसलिए सब्र जो है एक बहुत बड़ी खूबी है, बड़ी खूबी है। आज लोग सब्र की बातें करते हैं, दूसरों को तलकीन भी करते हैं, वाद नसीहत किया जाता है। हर आदमी दूसरे को सब्र करने के लिए कहता है लेकिन खुद सब्र करने के लिए तैयार है। हदीस में नबी फरमाया कि लैसा शदीदु बिसुराती वलाकिन्नल शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आजकल पहलवान वो है जो गुस्से का मुजारा इस अंदाज से करे, किसी की मार पिटाई करते, किसी को उठाकर उधर फेंक दे, किसी को कत्ल कर दे, गाली गलौज करके उसको लाजवाब कर दे, तो यह पहलवान। नबी ने फरमाया कि यह आदमी तो सबसे बुजदिल है, पहलवान नहीं है, ये पहलवानी नहीं, किसी को उठाओ और उधर फेंक दो। पहलवानी ये है कि जब आदमी गुस्सा आए तो अपने गुस्से पर काबू पाओ, ये पहलवान। जो आदमी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता वो पहलवान नहीं, बल्कि वो तो कमजोर तरीन आदमी है। जो अपना गुस्सा नहीं रोक सकता वो पहलवान कैसे होगा? वो तो जाहिल आदमी होगा, कमजोर आदमी होगा कि जो गुस्से को नहीं रोक सकता और बुराइयों को अपने आप से कैसे वो दफा रफा कर सकता। इसलिए सब्र ये बड़ी खूबी है, बड़ी अच्छी सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया की सिफत बयान फरमाई है, फसबर कमा सबरा उल अज़म मिन रुसुल। आप इस तरह सब्र करें जिस तरह के उल अज़म रुसुल ने आपसे पहले भी सब्र किया, उनको बड़ी तकलीफ थी। आज जो है हमारे यहाँ माशरे का एक बहुत बड़ा मसला ये बेसब्री, सब्र नहीं होता। बेसब्री की वजह से बहुत सी मुश्किल है, एक दूसरे के बारे में बदज़मानी है, गाली गलौज है, गीबत है, इल्ज़ामात हैं, इत्तेहामात हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? माशरे के अंदर बिगाड़, फसाद, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में किस कदर जो है वो बेहतरीन अच्छी हिदायत दी। इंसान खा दुनिया के अंदर बड़ा मालदार हो, जागीरदार हो, सैब इकदार हो, लेकिन अगर उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसका रवैया अच्छा नहीं है, ऐसा आदमी लोगों में से बदतरीन शख्स है। आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो होता है कि मन युर्जा खैर हो वो मन शर्र हो, जिससे हमेशा खैर की उम्मीद की जाती है और उससे उसकी शर से दूसरे लोग अमन में होते हैं, और सबसे बुरा वो शख्स है जिससे खैर की उम्मीद कोई ना हो, हमेशा लोग उसकी शर से डरते हैं, बल्कि उसकी शर से बचने के लिए रास्ते तब्दील करते रहे। ऐसा शख्स माशरे का बदतरीन शख्स, अच्छा अखलाक इसको अल्लाह पसंद फरमाता है। फरमाया कि अखलाक ऐसा अमल है, क़यामत वाले दिन जब इंसान के तराजू में अमाल तोले जाएंगे, सबसे ज्यादा वजन अच्छे अखलाक का होगा, लेकिन अल्लाह ताला बुरे अखलाक वाले को, बद जबान को पसंद नहीं करता, ये अल्लाह से दूर होता है, दुनिया के अंदर लोगों से दूर है, आखिरत में अल्लाह से भी ये दूर होगा, जन्नत से दूर होगा, जहन्नम के ये करीब होगा, क्योंकि बद अखलाक था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मुसलमान का तो रवैया ही होना चाहिए, इसके बगैर मुआशरा कैसे कायम रख सकता है, कैसे मुआशरे में अमन आ सकता है, कैसे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। फरमाया कि अल मुस्लिम अल मुस्लिम ला यज़लिमहु वला यख़ज़ुलहु, मुसलमान तो दूसरे पर कोई जुल्म नहीं करता, उसको जलील और रसवा नहीं करता, बल्कि आप फरमाया कि मुसलमान किसी को हकीर नहीं समझता। हकीर समझना ये बहुत बड़ा शर है। किसी आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि दूसरों को हकीर समझे और अपने आप को बड़ा और मुअज्जत समझता। मुअज्जत तो वही होगा जैसे लोग अच्छा समझेंगे, अच्छा कहेंगे कि आदमी अच्छा है। बेहतरीन वही शख्स होता है कि जिससे खैर की उम्मीद हो, लोग अमन में हो, लोगों को फायदा पहुंचाए। ये नहीं कि सारे फायदे अपने लिए समेटता जाए, दूसरों की परवाह ना, ये आदमी बेहतरीन नहीं है। जाती फायद के लिए, जाती मकासद के लिए कौमी मफादात को तबाह बर्बाद करता जाए, ये आदमी बहुत बुरा है, क्योंकि इसकी शर से अमन ही नहीं, इससे खैर की तवक्को ही नहीं है। आपने फरमाया कि याद रखो, सारे मुसलमान जो हैं उनकी जानें, उनके माल, उनकी इज्जत बराबरी हो। कोई आदमी ये ना समझे कि मैं तो बड़ा मुअज्जज हूँ, दूसरे आदमी की इज्जत पर हमला करूँ, उसको कत्ल कर दूँ, उसका माल लूट लूँ, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई इज्जत नहीं, उसके माल की कोई इज्जत नहीं, उसकी जान की कोई इज्जत नहीं, इसलिए मैं जो चाहूँ करूँ। आपने फरमाया कि इसलिए जान लो, एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी इज्जत हराम है, और इसकी हुरमत उसी तरह है जिस तरह के बैतुल्लाह की हुरमत, जिस तरह के मक्का शहर की हुरमत, जिस तरह के हज के दिन की हुरमत होती है, जिस तरह वो आदमी उन चीज़ों को अहमियत देता है, उनकी हुरमत को समझता है और उनकी भी हुरमती को बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह समझता है, वैसे उसे इसको भी गुनाह समझना चाहिए कि मैं किसी की इज्जत पर, किसी के माल पर, किसी की जान पर कहीं हमला तो नहीं कर रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन अखलाक इंसान का कैसे मालूम होता है। आपने फरमाया कि मैं उस आदमी के लिए जन्नत के अतराफ में जगह की रहश की जमानत देता हूँ जिसका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और वो आदमी हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ा छोड़े, जन्नत के अतराफ में उसकी जमानत देता हूँ। और ऐसे शख्स की मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, वस्त की जमानत देता हूँ कि जो आदमी बातचीत के अंदर भी झूठ ना बोले, गलत बयान नहीं ना करे, इस कदर जबान का सच्चा हो कि वो मजाक के अंदर किसी के साथ शुगल में अपनी जबान को झूठ से बचाए रखता है, ऐसे आदमी को मैं जन्नत के दरमियान जगह की जमानत दे रहा हूँ। और आपने फरमाया कि जिस आदमी ने, क्योंकि ये बातें जो हैं वो जुजुई हैं, आपने फरमाया कि उस आदमी के लिए मैं जन्नत में अल्लाह दर्जे की जमानत देता हूँ जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया। अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि हमें अपने अखलाक को अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला